आइए बढ़ते हैं खरगोन की खबरों की ओर। शहर से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम राजपुरा के समीप संगमरमर से निर्मित इस्कॉन मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। यहां 19 एवं 20 फरवरी को भव्य समारोह के तहत मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही है। रविवार को आयोजन समिति ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। मंदिर निर्माणकर्ता डॉक्टर श्याम सुंदर महाजन ने बताया कि इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्रीमत कृष्ण कृपा मूर्ति श्री प्रभुपाद की कृपा से मंदिर में श्री गौर श्री राधा गोपीनाथ मंदिर का शुभारंभ होने जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत 19 को कलश स्थापना यज्ञ व कीर्तन होंगे। 20 फरवरी को महाभिषेक प्रथम दर्शन आरती महाप्रसादी एवं कीर्तन होंगे। उक्त आयोजन इस्कॉन वृंदावन पुजारी मुकुंद प्रभु जी के सानिध्य में होंगे। यहाँ राधा कृष्ण के साथ चैतन्य महाप्रभु की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। आयोजन में 300 से इस्कॉन से जुड़े देशभर के कृष्ण भक्तों को निमंत्रण दिया गया है। इस दौरान आयोजन समिति के शैलेश महाजन गर्भ वर्मा शीश जोशी आदि मौजूद थे। खरगोन से अभी बाजार की रिपोर्ट। लोग महामंत्र को जाप करें और नियम का पालन करें और भक्तों के संग में रहें, जैसा संग वैसा रंग। काजल की कोठरी में कैसे सयान हो जाए, एक लीक लागी पे है, लागी पे है, लागी है। यदि आप काजल की कोठरी में जाएंगे तो आपको काजल का दाग लगेगा। इसी तरह से भक्तों के संग में रहेंगे तो माला जपना, आध्यात्मिक जीवन बिताना, सब तरह के व्यसनों से दूर होना भी अपने आप आ जाएगा। भागवत का पाठ, चैतन्य महाप्रभु ने हमें 5 चीज़ें बताई मुख्य, क्या क्या कि धाम में ने मंदिर के इर्द गिर्द रहना, जैसे मंदिर है इसलिए हमने एरिया बनाया कि लोग आकर्षित मंदिर के प्रांगण में रहें। तो एक तो ये, दूसरा भागवत पाठ, तीसरा माला वगैरह जपना भगवान के। इसकी स्थापना कब होगा, इसका कार्यक्रम? ये आयोजन तो अभी 19 और 20 को है, उसके बाद में सब कुछ धीरे धीरे शुरू होगा। लगभग कितने एकड़ में फैला हुआ है ये? 42 एकड़। अभी रोजाना इसमें आते हैं? अभी भी आते हैं लोग? लोग आते हैं, 500 से 1000 लोग संडे संडे आते हैं और रोज ग्रुप ग्रुप में लोग आते हैं। कीर्तन किए जाते हैं? कीर्तन किया जाता है। क्या नाम? श्याम सुंदर महाजन।